धमतरी जिले के कुरूद में नेशनल हाईवे 30 में एक तेज रफ्तार सवारी बस ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर खूब हंगामा किया, जिससे कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई थी। इसके साथ ही गुस्साई भीड़ के द्वारा बस को आग लगाने की कोशिश भी की गई, जिससे कुरूद पुलिस ने रोक दिया और लोगों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि ग्राम राखी निवासी आनंद निषाद किसी काम से अपनी पत्नी के साथ कुरूद आ रहे थे, तभी नेशनल हाईवे में बाईपास के पास बस ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए कुरूद अस्पताल ले जाया गया है, जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। बहरहाल कुरूद पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मोबाइल के जरिए सूचना मिला कि वहाँ बाईपास रोड टर्निंग के पास में बहुत सारी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुई है, जिस पर हम लोग स्टाफ भेजे और साथ में गए। वहाँ जा करके देखे तो मोटरसाइकिल से दो आदमी घायल पड़े थे बस से ठोकर होने से, तो उनको तत्काल एम्बुलेंस बुला करके सीएससी कुरूद भेजा गया, जहाँ सीरियस होने से उनको जो है रायपुर रेफर करवा दिया गया। हाँ, तो कुछ आक्रोशित लोगों ने भीड़ में आग बस को आग लगाने का भी प्रयास करे थे, तो हमारे स्टाफों के द्वारा सूझबूझ के साथ पूरा उसको बुझाया गया और शांति व्यवस्था कायम किया गया।